हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम आभास संख्या का एक छोटा सा और ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं। कल हम बताए थे क्या कि एक से लेकर के 100 तक में आभास संख्या कितना है और कौन कौन है, टोटल संख्या हम निकाल के आप लोग को बता दिए थे। आज हम 100 से 200 के बीच में बताने जा रहे हैं कि 100 और 200 के बीच में कितनी आभास संख्या है और कौन कौन है, उसका भी छोटा सा एक ट्रिक। जैसे 1 से लेके 100 तक में आप लोग मोबाइल नंबर याद रखे थे, उसी प्रकार 1 से लेकर के 200 के बीच में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, वो याद कर लीजिएगा, ऐसा हमसे आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच में आभास संख्या कितनी है। तो हमेशा सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, 101 से हम सजा लेंगे, टोटल संख्या लिख लेंगे। जैसे कल हम लिखे थे 1 से लेके 6 तक, फिर काट के 7 से लेके लिखे थे, उसी प्रकार इसको भी हम काट काट के लिख सकते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं 101 से, 101, 102, 103, 104, 105, 106, फिर उसी प्रकार आ जाएंगे 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 96, 197, 198, 199, 200। चलिए हम देखते हैं क्या 200 तक हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम 100 से लेके और 200 के बीच में जितना भी संख्या है वो टोटल संख्या को हम लिख दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, इस संख्या को हम आभास संख्या निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमेशा याद रखना होगा आप लोग को कि आभास संख्या का मतलब होता है या तो वो एक से कटे या तो स्वयं से कटे। जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा वही संख्या क्या कहलाएगा, आभास कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम अंतिम वाला वर्ड को देखते हैं कि अंतिम वाला वर्ड में क्या है, 106 है। तो अंतिम वाला वर्ड में 106 है। देखिए इस टोटल संख्या जो है वो भाज्य है, क्योंकि टोटल संख्या 2 से कटने वाला है। इसका मतलब ये टोटल संख्या 2 से कटेगा, जो 2 से कटने वाला संख्या रहेगा वो आभास संख्या नहीं कहलाएगा। ये टोटल संख्या आपका क्या होगा, ये आभाज नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट में हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट में हमको क्या है, 105 है। अब 105 में हमेशा जब भी वैल्यू लेते हैं तो 105 जो है अंतिम से संख्या हम 105 ले लेंगे, ये मेरा क्या है 105 कट जाता है, 105 तीन से कटेगा। तो देखिए ये तीन से कटेगा, ये भी संख्या मेरा तीन से कटेगा, ये भी तीन से कटेगा, मतलब इस लाइन में जितना भी संख्या है वो टोटल संख्या वो किससे कटेगा, तो तीन से कटेगा। ये टोटल संख्या आपका तीन से खत्म हो गया। अब देखिए दो लाइन आपका खत्म, एक लाइन 2 से कट गया, एक लाइन 3 से कट गया। अब तीसरा लाइन में प्रवेश करते हैं, इसमें भी देखिए शुरुआती में हमको दे दिया है क्या कि 2 से विभाजक नियम, 2 है, 0 है, 6 है, 2 है, 8 है, इसका मतलब टोटल संख्या जो है वो क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। तो ये टोटल संख्या को हम 2 से कटा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्या कि चौथा लाइन में, चौथा लाइन में हमेशा देखते हैं कि संख्या अभी कटने का चांस नहीं है, तो संख्या चौथा लाइन में हम किसको किसको कटा सकते हैं। तो ये मेरा आभास संख्या है, 103 मेरा आभास संख्या, 109 मेरा आभास संख्या, उसके बाद 115 जो है वो संख्या हमेशा कट जाता है। ये कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा, मतलब ये आभास संख्या नहीं है। उसके बाद 121 भी मेरा आभास संख्या नहीं है, 121 भी मेरा आभास संख्या नहीं है। उसके बाद हमेशा 133 जो है ये भी आभास संख्या
नहीं है। उसके बाद हम चले आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे 169 जो है और उसके बीच में मेरा 145 है, 145 भी अभाव संख्या नहीं है। उसके बाद हम चले आएंगे 169, ये भी मेरा अभाव संख्या नहीं है। 175 ये भी मेरा अभाव संख्या नहीं है। 175 के नीचे अब मेरा ये कोई संख्या अभाज नहीं है। चलेंगे आप किसमें, तो इसमें। अब इसमें सबसे पहले देखिए, पहला लाइन आपको मालूम चल गया, दूसरा चल गया, तीसरा लाइन भी आपको मालूम चल गया, चौथा लाइन में कौन कौन अभाज्य संख्या है, कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है वो मालूम चल गया हमको। अब हम पांचवा लाइन में चलते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं दो से विभक्त होने वाला संख्या। ये टोटल लाइन जितना भी है ये सब जो है वो दो से कटेगा, अगर ये दो से जो कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम चलेंगे किसमें, तो लास्ट वाला लाइन में, लास्ट वाला लाइन में हमेशा अभाज्य संख्या देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाज्य संख्या कौन है, तो चलिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या देखते हैं कि इसमें कौन कटने वाला है और कौन नहीं कटने वाला है। 125 जो है ये मेरा भाज्य संख्या, क्योंकि 5 से ये मेरा कट जाएगा। उसके बाद 131 नहीं होगा, 137, 143, 143, 149, उसके बाद 155, 155 5 से कट जाएगा। उसके बाद 161, 167, 173, 179, 185 5 से कट जाएगा। उसके बाद 91 और 97 नहीं कटेगा। अब आपका संख्या निकल चुका है क्या, कि अभाज्य संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम देखिए कि ई लाइन मेरा पूरा क्लियर हो चुका, ये भी क्लियर हो चुका, ये भी क्लियर हो चुका। अब ये लाइन बचा और ये लाइन, मात्र दो लाइन बचा है और दो लाइन में ही मेरा अभाज्य संख्या निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या कौन है, आपका 101 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 103 अभाज्य संख्या है, फिर इस लाइन में 107 अभाज्य संख्या, 109 अभाज्य संख्या, फिर इस लाइन में आएंगे 113 अभाज्य संख्या, फिर इधर एक भी नहीं है, उसके बाद 119 अभाज्य संख्या, इधर भी नहीं है, 131, 137, 43, 49, उसके बाद 61, 67, 73, 79, उसके बाद 91 और 97। ये टोटल जो है आपका क्या है, तो अभाज्य संख्या है। अब इस लाइन में हम चले आएंगे तो 103, 109 उसी प्रकार से चले आएंगे, 127 अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद 139 अभाज्य संख्या हो गया, 151, 157, 163, उसी प्रकार 181, 187, 193 और 199। अब ये टोटल संख्या जिसको हम गोलाकार चिन्ह मार दिए हैं वो आपका अभाज्य संख्या है। तो आप गिन सकते हैं कि आपका अभाज्य संख्या कितना है। तो चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि आपका अभाज्य संख्या टोटल कितना हो गया, 125 हो गया। तो 125 हो गया, तो इसका हम एक ट्रिक लिख देते हैं आपको। देखिएगा हमेशा ट्रिक का जो होगा वैल्यू, इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या आपको कितना है, 4 है। अब देखिए 1 से लेके 110 के बीच में, मतलब 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है वो गिनना है। तो 1 से लेके 110, यहाँ 100 है, 101 है, और मेरा 110 कहाँ, यहाँ पे है। तो गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, इलेन में कोई नहीं है, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, मतलब 100 से 110 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार हम चले जाएंगे कितना, 110 से 120 के बीच में मेरे पास 2 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 110 से 120 के बीच में हमको कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 से 130 के बीच में लेंगे, 120 से 130 के बीच में 1 है, उसके बाद 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, ये आपका वैल्यू हो गया। मतलब 101 से यानी 100 से 200 के बीच में जितना अभाज्य संख्या वो सब अभाज्य संख्या का, ये आपका एक मोबाइल नंबर का एक ट्रिक हो गया। 42, 13, 22, 24, इतना सा याद रखना होगा, 42, 13, 22, 24, 42, 13, उसके बाद 32, 42, 13, 22, 24 क्या होगा, तो 42, 13, 22, 24 42, 13, 22, 24 ये हो गया आपका मोबाइल नंबर का एक अभाज्य संख्या का फॉर्मूला।
तो इसमें हमेशा देखिए चेक कैसे करेंगे, तो ये जो है चार जो है ये आपका क्या है 100 और 110 के बीच का है, 100 और 110 के बीच में चार वहां संख्या होगी आपका। उसी प्रकार अब हम चले आएंगे कि इसमें दो में ये जो है आपका 110 और 120 के बीच का है, उसके बाद हम चले आएंगे इसमें ये जो है 120 और 130 के बीच का है, उसके बाद हम तीसरा पोजीशन पे जाएंगे ये जो है 130 और 140 के बीच का है, और ये संख्या जो है मेरा 140 और 150 के बीच का है, और ये जो है 150 और 160 के बीच का है, और ये जो है 160 और 170 के बीच का, उसके बाद ये बन गया मेरा 170 और 180 के बीच का, और ये जो दो है ये हमेशा हो गया 180 से 190 के बीच में, और लास्ट वाला संख्या जो आपका हो गया चार ये हो गया 190 और 200 के बीच का। अब आपका ये इतना सा वैल्यू हो गया। अब आपको पूछ देगा कि एक से 100 और 150 के बीच में कितनी आभा संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका चले आया कि 100 और 150 के बीच, 150 के बीच कितनी आभाज संख्या है, आभाज संख्या है। अब यहाँ पे हमेशा याद रख सकते हैं 100 और 150 के बीच कितनी आभाज संख्या है, ये पहला पॉइंट आ गया 100 और 150 के बीच कितनी आभाज संख्या है। तो सबसे पहले हमको कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है, तो 150 तक जाने के लिए देखिए हम कौन पोजीशन पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 से 110 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये पोजीशन जो है ये आपका 50 और 60 के बीच का है, ये आपका हो गया 1 से 10, ये हो गया 10 और 20 के बीच का, ये 20 और 30 के बीच का, 30 और 40 के बीच का, 40 और 50 के बीच का, ये हो गया 50 और 60 के बीच का। इसका मतलब आपको जाना कहाँ तक है, तो यहाँ तक ही जाना है ये पोजीशन तक। तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, आप सबको जोड़ दीजिए आपका वैल्यू हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12 हो गया, आपका कितना निकल गया 12। आपको पूछ देगा 100 और 150 के बीच में कितनी आभाज संख्या है, तो कितना है, तो 12 आपका आभाज संख्या है। इसी प्रकार आपका पूछ देगा 100, 150 और 170 के बीच या 190 के बीच, 150 और 170 के बीच कितनी आभाज संख्या है, तो 150 और 170 के बीच जाएंगे, तो सबसे पहले पोजीशन क्या पकड़ेंगे, 140 और 50 के बीच में जो दो संख्या है उसको छोड़ के आगे वाला संख्या को हमको लेना है जहां पे 150 और 160 का बीच का है, तो 150 और 60 के बीच में कौन है, दो है, उसके बाद 160 और 70 के बीच में कितना है, तीन है, हमको कहां तक जाना है 150 और 170 के बीच में, इसका मतलब दो होगा और तीन होगा, ये बन जाएगा दो प्लस तीन, दो तीन कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। इस प्रकार से आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा 120 या 130 के बीच में कितनी आभाज संख्या है, या 150 180 के बीच में कितनी आभाज संख्या है, या 115 और 160 के बीच में कितनी आभाज संख्या है, जो संख्या आपको पूछेगा वो टोटल संख्या का आप जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आप एक मोबाइल नंबर हमेशा याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर आपका 10 अंक का है, क्या नंबर है, 42 13 22 32 24, आपका मोबाइल नंबर क्या है याद है, हमेशा देख लीजिएगा 42 13 22 32 और 24 है, तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे कल आपको 1 से लेके 100 तक में मोबाइल नंबर बताए थे, उसी प्रकार से हम आपका 100 और 200 के बीच का है। तो चलिए इसमें अब ये हम देखते हैं कि इसमें बीच में जो है कौन कौन आभाज संख्या है वो आपको लिख देते हैं, तो कौन कौन आभाज संख्या है उसके लिए हम देखते हैं। आभाज संख्या की संख्या देखिए हम कौन कौन निकालते हैं, सबसे पहले लिखिएगा आप यहां से लिख सकते हैं, पहला आभाज संख्या आपका हो गया क्या कि इस लाइन में हम टोटल आभाज संख्या लिख देते हैं, 100 और 200 के बीच में कौन कौन आभाज संख्या वो टोटल डाल देते हैं। सबसे पहले आप 101 मान लीजिए,
101, उसके बाद 103, 103 के बाद आपका आ गया 107, 107 के बाद आपके आ गया 109, 109 के बाद आ गया 113, 113 के बाद आपका आ गया 119, 119 के बाद आ गया आपका 127, 127 के बाद 131, 131 के बाद आपका आ गया 137, 137 के बाद 139, उसके बाद 143, उसके बाद आ गया आपका 143 के बाद आ गया 149, 149 के बाद 151, 151 के बाद आपका 157, 157 के बाद 161, 161 के बाद 163, 163 के बाद 167, 167 के बाद आपका आ गया 173, 173 के बाद आपका आ गया 179, 179 के बाद आ गया 181, 181 के बाद आ गया 187, 187 के बाद 191, 191 के बाद 193, 193 के बाद 197 और 197 के बाद 199। ये टोटल आपका हमेशा क्या हो गया, 100 और 200 के बीच में आभास संख्या कौन कौन है वो टोटल आपका ये हो गया वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका कितना है, तो 25 वो है, गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मतलब 100 और 200 के बीच में कुल आभास संख्या कितना है, तो 25 है। उसी प्रकार हमेशा याद रखेगा, अगर यहाँ पे पूछ देगा क्या कि 150 और 180 के बीच में कौन कौन आभास संख्या है और वो सभी आभास संख्या का योग कितना है, तो सबसे पहले 150 और 180 के बीच में हम देख लेंगे कौन कौन आभास संख्या आता है। 150 और 180 के बीच में 51, 57, 61, 63, 67, 77, 79, 81, 81 हमको चल गया क्या 80 के पार हो गया, तो हमको कहां तक जाना है 79 तक। यहां से 151 से लेके यहां पे 179 के बीच यानी 181 के नीचे हम जितना भी संख्या आएगा सब संख्याओं को जोड़ देंगे तो मेरा योग निकल जाएगा। तो यह हमेशा याद रखिएगा, ये 25 वर्ड आप लोग याद रखिए, आभास संख्या आप लोग का आराम से निकल जाएगा। अब कोई भी संख्या का हमेशा फॉर्मूला पूछ देगा कि हमको 110 से 120 के बीच में कौन कौन आभास संख्या है, वो संख्या का योग क्या है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। और ये जितना भी सारा है ये आप भूल जाइए, सिर्फ आप याद रखिएगा किसको, इसको याद रखिए और एक छोटा सा आपका मोबाइल नंबर जो है इसको याद रखिए। अब टोटल संख्या कितना है, 100 और 200 के बीच में टोटल आभास संख्या हो गया कितना आपका 25 हो गया, और कौन कौन हो गया वो सारा आ गया। अब पूछ देगा आपका संख्या क्या 150 और 180 के बीच में कितनी आभास संख्या है, जहां पे कितनी लग जाएगा वहां के लिए आपको ये मोबाइल नंबर याद रखना होगा, और पूछ देगा कौन कौन है तो उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद हम कल अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा आभास संख्या कैसे निकाला जाता है और कैसे पहचानेंगे कि यही आभास संख्या है या नहीं है, वो कल वाला वीडियो में आपको दे दिया जाएगा।